आज शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान का दिवस है। आज ही के दिन 1931 में हमारे इन तीन शहीदों को फांसी की सजा हुई थी। भगत सिंह ने एक किताब लिखी थी, मैं नास्तिक क्यों हूँ, और उन्होंने पूरे दुनिया के सामने ये बात रखी थी तर्क के साथ कि वो नास्तिक क्यों हैं। और आज पूरी दुनिया में जितने भी नास्तिक लोग हैं, संगठन हैं, उन सब ने मिल करके आज शहीद आजम भगत सिंह के शहादत दिवस पर आज विश्व नास्तिक दिवस मनाने का निर्णय लिया था, जिसके क्रम में आज हम लोगों ने विश्व नास्तिक दिवस यहाँ पर मनाया है गोरखपुर में। और इस आज विश्व नास्तिक दिवस के अवसर पर वो सभी लोग जो दुनिया में वैज्ञानिक सोच रखते हैं, तर्कवादी विचारधारा रखते हैं, किसी धर्म संप्रदाय के नियमों बंधनों में बंध करके मनुष्य मनुष्य में भेद नहीं करना चाहते हैं, वो पूरी दुनिया को एक देखना चाहते हैं, उन सभी लोगों को हम विश्व नास्तिक दिवस पर बधाई देते हैं। ऐसे लोगों की संख्या पूरी दुनिया में बहुत अधिक है, लेकिन धार्मिक कट्टरपंथियों के चलते वो बाहर नहीं निकलते हैं, अपनी आवाज ऊपर नहीं कर पाते हैं। और ऐसे तमाम उदाहरण हैं जिन किसी ने भी इस तरह के धार्मिक पाखंड का या धर्म से जुड़े जितनी भी कुरीतियां उनका विरोध किया है, या स्त्री पुरुष में भेदभाव उत्पन्न करने वाली या मनुष्य को मनुष्य से बांटने वाली इन सभी बातों का अगर कहीं विरोध किया है तो उनकी क्या है, उनकी हत्याएं हुई हैं, उनको मारा गया है, और इस तरह के लोग, इस तरह की कृत्यों द्वारा उनको डराने का प्रयास किया गया है। लेकिन फिर भी आज ग्लोबलाइजेशन का दौर है, आज एक सूचना के द्वारा पूरी दुनिया के नास्तिकों ने मिल करके जुट करके विश्व नास्तिक दिवस मनाने का निर्णय लिया है, और हम उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि दुनिया का जो सबसे बड़ा और पहला नास्तिक बुद्ध के रूप में वो इसी क्षेत्र से निकले थे, उन्होंने ही सबसे पहले इस देश में जो वर्ण व्यवस्था और जो तथाकथित ब्राह्मण धर्म यहाँ पर मौजूद था, जिसके नाते यहाँ पर 6,743 जातियाँ बनी, उसके ऊपर वर्ण व्यवस्था बनी, और वर्ण व्यवस्था के आधार पर मनुष्यों में अधिकार बांटा गया, लोगों के शोषण का रास्ता तैयार किया गया, महिलाओं को अधिकार नहीं दिया गया, उनके शोषण का मार्ग तैयार किया गया, उन सब कुरीतियों बाधाओं को खत्म करते हुए एक नई विचारधारा, सारे मनुष्य को एक करने की विचारधारा, और ये जो तथाकथित ब्राह्मणवाद के रूप में जो भगवान स्थापित करने की बात हुई थी उस समय, उसको चुनौती देने का काम तथागत बुद्ध ने यहीं से 2,500 साल पहले शुरू किया था, और उसको आगे बढ़ाते हुए तमाम हमारे देश के संत महापुरुषों ने उसको, उस बात को आगे बढ़ाया, और अंतिम में बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जाते जाते इस देश के लोगों से कहा, भारतवासियों से कहा, कि अगर हमको एक होना है, हमको मजबूत होना है, हमको इस पाखंड से निजात पाना है, इस जातिवाद से, वर्ण व्यवस्था से छुटकारा पाना है, तो हमको बुद्ध के शरण में जाना होगा, और वो बुद्ध की शरण में गए। तो आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज पूरी दुनिया के जो नास्तिक हैं वो नास्तिक दिवस मना रहे हैं। ये हर्ष की बात है कि दुनिया में वैज्ञानिक विचारधारा की, तर्कवादी विचारधारा के लोगों का आज ये दिन सुनिश्चित हुआ है, और आज ही के दिन हमारे शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, उनके साथी सुखदेव का बलिदान दिवस है, शहादत दिवस है, और इस बात को लेकर के हमें बड़ा गर्व है, प्रसन्नता है कि पूरी दुनिया ने इस दिन को चुना है विश्व नास्तिक दिवस के रूप में। तो पुनः एक बार फिर से पूरी दुनिया के नास्तिकों को, एथिस्टों को, हम पूर्वांचल सेना की ओर से बहुत बहुत बधाई, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।